हेलो, नमस्कार। आज गोवर्धन है और मैंने आज यही करवा चौथ वाली साड़ी पहनी है। और हम लोग जेठानी के यहाँ जा रहे हैं, वहीं पूजा करेंगे, तो वहीं मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मैं अपनी जेठानी के आ गई हूँ और उन्होंने सब पूजा की तैयारी कर ली थी और खाना बना के रख लिया था। अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। हाय राधे राधे। हाँ, हम सविता की जेठानी। हमारी पूजा की तैयारी चल रही है। आज गोवर्धन की पूजा है और हमारे देवर जी, देवरानी, उनके दोनों बच्चे सब लोग पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की तो हो गई होगी, तो काफी टाइम हो गया ना, 3:30 बजे है। और ठीक है, बस यार। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने तैयारी की है, और कान्हा जी को दिखाती हूँ। हमारी जेठानी कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है। ये रहे, दिखाती हूँ। बाद में जाएगा पूरा मंदिर, बाद में बोलूंगी। ये देखिए, ये बनाए हैं उन्होंने छोटे से गोवर्धन। ये रखी है इन्हें राधा कृष्ण की, और ये गाय गाय की पूजा होती है इसलिए उन्होंने ये रख दिया है। अब गाय तो है नहीं रियल में, ये उनका मोर मोर का पंख। पंख है उनका। ये रंगोली है, ये रंगोली है, ये इन्होंने काढ़ी है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और है ये मैम और जी पंडित। यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है और हमारे यहाँ ये पूजा जेंट्स लोग ही करते हैं। तो वहाँ मेरे जेठ जी बैठे हैं और ये हैं, और वो मेरी जिठानी है। तो उनको बता रही है, इन्हें आती नहीं है पूजा करना, तो वो बता रही हैं ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे भोग लगाना है। तो बस वो पूजा करवा रही हैं, क्योंकि इन्हें आती नहीं है, मुझे भी नहीं आती ज़्यादा पूजा पाठ करनी। तो वो बता रही हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो यहाँ ये पूजा कर रहे हैं। चुकी है और हम पूरे घर के सब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। ये मंदिर है बालाजी का। ये हमारी जेठानी जी के घर के अंदर ही है, यानी कि उनकी बावजूद हमारी हो गई हम लोगों की। हम लोग खाना खाएंगे, आप लोग भी आइए खाना खाने। बाय। खाना तैयार है, आप लोग भी आइए और खाना खाइए। सब लोग बैठे, आप भी चलिए। जिठानी के यहाँ से शाम को 6 बजे। वहाँ से आने के बाद भाभी का फ़ोन आ गया था, आई हुई है लुधियाना से मेरी छोटी भाभी। तो उनका फ़ोन आ गया था कि हम लोग घर आ रहे हैं। तो बस वहाँ से हम चले आके, फिर मैंने कहा आप कुछ बनाना पड़ेगा खाने पीने के लिए। तो फिर मैंने दिवाली वाले दिन बनानी थी मुझे पाव भाजी, तो मैंने उस दिन नहीं बनाई। फिर मैंने आज, मैंने कहा वो लोग आ रहे हैं तो पाव भाजी बना लेते हैं। तो बस मैं आई, मैंने आके सब्जियाँ वगैरह सब काटी, और मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं जिस मकान में किराए से रहती थी, वो आंटी, उनकी बहू, बेटा सब लोग आ गए, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उस टाइम फिर सब्जी उबलने रख दी थी कुकर में, सारी सब्जियां काट के। तो मैं उस टाइम कोई भाजी का कोई वीडियो ही नहीं बना पाई। फिर मेरी भाभी आ गई, भैया आ गया, भतीजा आ गया, तो वो लोग अभी रुकेंगे रात को, वो सुबह निकलेंगे। तो मैंने कहा लाओ मैं तुमको मिलवा देती हूँ अपनी छोटी भाभी से, अभी मिलवाती हूँ।
भाभी बर्तन मांजने में लगी है, मैं कह रही हूँ मैं साफ कर लूंगी बर्तन, मगर वो मान ही नहीं रही है। अभी मैं उनको बुलाती हूँ, आप लोगों से मिलवाती हूँ। वैशाली आना, देखो सबसे मिल लो, हम तुम्हें मिलवाए सबसे। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली, कैसे हो आप? बोलो हाय। हाय, कैसे हो? कैसे हो? हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। यहाँ मैंने भाजी बना ली थी और मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, ये मेरी भाजी बनके तैयार हो गई है। अब बस मुझे पाव सेकने हैं, जब ये लोग खाएंगे तब मैं पाव सेक दूंगी। मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाई मैं क्या करूं, मेहमान आ गए थे, उनको भी देखना बहुत जरूरी। कल दौज, भैया दौज है और कल मैं अपनी मम्मी के जाऊंगी और भाभी परसों चली जाएंगी लुधियाना। बड़ी भाभी मेरी गई हुई है गाजियाबाद, नहीं मैं उनसे भी मिलवाती आपको, तो वो अभी है नहीं, भैया को छुट्टी नहीं मिली थी तो वो आ नहीं पाई। ये आ गई, जाएंगी इनके यहाँ, ये बनाएंगी हमारे लिए। आज हम खिला दें, कल हम खाएंगे जाके। सब लोग खाना खा रहे हैं और भाभी सबके लिए सेक रही हैं पाव, तो सब लोग बिग बॉस देख रहे हैं और मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय।